सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन की मांग की है, उद्योगों के बंद होने पर चिंता भी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है कोरोना की रफ्तार थमने के लिए। मध्य प्रदेश के तो राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण की कोशिश है और वैक्सीन की जारी जानकारी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इधर मुख्यमंत्री ने राज्य में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन की मांग भी की है। उसके अलावा उद्योगों के लिए भी 20% ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के कोरोना की स्थिति में जानकारी ली और हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 11% ही संक्रमण दर है और काफ़ी कुछ नियंत्रण कर लिए हैं। पहले 30% था, उसे काफ़ी गिरावट आई और साथ ही हमने पीएससी सीएससी लेवल पे ऑक्सीजन बेड है, जनरल बेड है, आईसीयू बेड है, इसकी वृद्धि की और सबको ऑनलाइन से जोड़ा गया। दवाइयां भी हॉस्पिटल के माध्यम से रेमडेसिविर वगैरह वितरण किए, तो इसमें यहाँ किस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई और ऑनलाइन सबको जानकारी दी जा रही है, जिसमें आज की तारीख में जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, एचडीयू और वेंटिलेटर ये करीब 20,000 बेड हमारे खाली हैं। और दूसरी बात ये ग्रामीण क्षेत्र में भी मितानिनों के द्वारा जो जैसे आशा वर्कर कहते हैं उनके माध्यम से जो कोरोना के दवाइयों के किट बना के 70,000 जो हमारे मितानिन हैं उसके माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किट का वितरण किया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली। अब दो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए उसमें कमी है, उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन के डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्द कोरोना से लड़ने हम सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे देश को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ से हुआ है। भारत सरकार ने भी जिन राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए हमें कोटा दिया गया था उसे हम कहीं बाधित नहीं होने दिया, सब जगह समय पे ऑक्सीजन पहुंचा, बल्कि अन्य राज्यों की जहां जहां डिमांड थी हमने वहां भी पहुँचाए हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है जहाँ स्टील का उत्पादन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोगों ने ये रेशियो 80-20 के रखा था लेकिन भारत सरकार के आदेश 70% ऑक्सीजन देने की कही थी और उसकी हम पूर्ति किए हैं। अब ऑक्सीजन की पूर्ति सभी जगह हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 80-20 का रेशियो फिर से लागू कर दें। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।